देख ले बात करते रिचा वेट ना रिचा रिचा एक मिनट एक वेट ना रिचा एक फोटो कर दो थोड़ा हिस्सा है रिचा थोड़ा अपना ले एक सोलो रिचा दो दो मिनट का फक्त सोलो सोलो ए अरे अच्छा ऐसा हो गए क्यों भाई नहीं आ सकता अभी आ गया थोड़ा पीछे ना थोड़ा जूमिंग करना क्या है अरे वेट रिचा लुक है रिचा पहले मेरे तरफ अभी
एक मूर्ति लीजिए, वो आगे अभी इधर है, वो इधर बनेगा, ये थोड़ा मांगे बहुत बढ़िया, रास्ता सही है ना, सब डायरेक्टर बनने आए हैं, हीरो कौन बनेगा, पीछे होना भाई, रही भाई एकदम पीछे हूँ, थोड़ा बैठ जा, बैठ जा, थोड़ा बैठ जा, थोड़ा हाइट कर, हाइट नहीं मिलेगा रे, अरे थोड़ा हाइट कर, अरे क्या कर रहा है, बैठ जा ना, बैठ जा ना, अभी बैठ जा ना, थोड़ा हम लोग भी इसी बैठ अम्मा मेरे लिए टाइम निकल गया, आई लव यू, अरे हम लोग का सुन तेरे से काम है, तू थोड़ा सोचा रे, फोटो अच्छे ले, नहीं जा रहा, पूरा आ रहा है तुम्हारा, ये थोड़ा बैठ जाओ, खाली सर बैठ जाओ ना, बाद में खाली सर आ रहा है, बस तुम तो बैठ जाओ, तुम बैठे क्या, जगह नहीं है, देखना ये सुनो, ये यही बैठ रवि इधर, मैं थोड़ा सा ठीक हो जाओ ना, रवि भाई जगह सुनो, अरे रवि भाई पीछे रवि, रवि रवि पीछे आ यार, सुबह सुबह हम आपके लिए आ जा रहे हैं, देखने का मार्ग है, आज कितने बजे होते हो, पूछो कितने बजे होते हैं, देखो पापा जल्दी कर करके 3-4 अभी क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसा बना लें तो अच्छा है।
मैं जू बीच के पास ही रहती हूँ, अगली सुबह कितने बॉडी पार्ट्स मिलते हैं गणपति जी के, कभी सूंड, कभी हाथ, कभी पाँव, जल्दी हो जाएगा क्या? हो जाएगा वो जल्दी, ये तो हो जाएगा। नहीं नहीं, उनको गवर्नमेंट नॉट करना चाहिए, एक तो लाउड स्पीकर का, एक तो स्मार्ट स्पीकर का हो गया, एक लाख फाइन है, ट्रैवलिंग में नहीं करना, अच्छा ट्रैवलिंग में नहीं बजाना, डीजे बंद ही किया, डीजे कौन है? दो सेकंड गया तो क्या हुआ, दो सेकंड गया मतलब क्या हुआ, क्या बताना, दो सेकंड गया तो क्या हुआ, कैमरामैन नहीं है मेरे को, तो हम काम नहीं करेंगे। ये फोटोग्राफर लाओ का मांगे, ये कौन है भाई, पीछे वो आगे ना, वो ठीक है, वो आगे जो मार रहा है ना, बस चल भैया भाई, कोई फायदा नहीं। हाँ पूरे लोग बस चला, कुछ नहीं बस, ये 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 नहीं बस,
ले लो उसके बाद वो हट जाए। एक सेंटर बोलो भाई, एक सामने दे लो, ये इधर देखें पहले, एक सामने दे लो मैम, एक सेंटर थोड़ा मार दो ऊपर नीचा जी ऊपर ऊपर नहीं
मैम लुक सेंटर वो चला बूम क्या ये मैंने पहले इसके बारे में काफ़ी बार बात की है कि कैसे एक त्यौहार की वजह से एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए। नॉर्मली गणपति होता है तो पूरा शहर रुक जाता है, ट्रैफिक होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है और लोग पटाखे छोड़ते हैं, और सबसे जो बुरा मुझे लगता है वो वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि POP के गणपति बनते हैं या ऐसे गणपति बनते हैं जो पानी में विसर्जन के बाद कभी वो मेल्ट नहीं होते, वो रिसाइकल नहीं होते। तो इसीलिए आज मैं यहाँ आई हूँ ट्री गणेशा के ये वर्कशॉप में, जहाँ इन लोगों ने काफ़ी दिन से ऐसे गणपति बनाए जो
पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। इनको आप विसर्जित करेंगे तो ये आपके घर में ही रहेंगे, और इनको नॉर्मली वाटर करेंगे तो इस तरह प्लांट उगेंगे। आप देखिए ये भिंडी का पौधा है, लेडी फिंगर जिसे कहते हैं, और कुछ भी उगा सकते हैं आप घर में। तो ये एक अच्छा है क्योंकि आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि गणपति विसर्जन के बाद भी घर में आसपास ही है। और मैं जैसे बीच के बराबर में रहती हूँ, तो विसर्जन के बाद अगले दिन मतलब गणपति का कभी हाथ, कभी पाँव, कभी सूंड, दांत, सब कुछ ऐसे बीच पे पड़ा होता है कचरे के साथ, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। और मुझे लगता है कि जो हमारी मरीन लाइफ है, जो मछलियाँ हैं, उन पे कितना पोल्यूशन आता है। इसमें टॉक्सिक पेंट यूज़ होता है, POP यूज़ होता है। सो भगवान, पानी को भी भगवान मानते हैं, वरुण भगवान, तो हम एक भगवान के लिए दूसरे भगवान को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। और कोई सवाल? जो मुझे गलत लगता है वो ये कि त्यौहार के नाम पे लोग सड़क पे दारू वारू पी के भगवान के नाम पे बेकार गानों पे डांस करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक रूल होना चाहिए कि जैसे भजन या कुछ लोगों को चलाने हो तो चले, पर मतलब आइटम सॉन्ग्स वगैरह की कोई जगह नहीं है विसर्जन के प्रोसेशंस में। नहीं, मैं अपने घर पे गणपति रखती हूँ, पर वो इतने से हैं क्योंकि मैं उनको इजीली रिसाइकल कर सकती हूँ। और मैं वैसे पौधों में ही डाल देती थी, पर मुझे जब पता चला कि यह एक्चुअली प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम हो रहा है, तो फिर मैं इसके साथ जुड़ना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, ये तो बेसिक कॉमन सेंस की बात है। किसी को भी पता है कि बॉम्बे ने अपने समंदर को इतना पोल्यूट कर दिया है, केमिकल पोल्यूशन है, तो हम उस पोल्यूशन को क्यों, वाई शुड वी मेक इट वर्स। त्यौहार एक बहाना होता है लोगों को इंजॉय करने के लिए, पर उसको अच्छी स्पिरिट में देखा जाए तो, जैसे हमारे एक पुरानी का कहावत है कि माटी से आया माटी में मिल गया, उसी तरह से मुझे लगता है त्यौहार को मनाना चाहिए कि जैसे किसी को नुकसान ना हो, नेचर को भी नुकसान ना हो। इनसे पूछिए प्लीज। आपको ये कब सोचा कि इको फ्रेंडली गणपति बनानी चाहिए, और आपको कितना गलत लगता है जो हमारे नॉर्मली हर साल में लास्ट गए 12 सालों से इको फ्रेंडली सेलिब्रेट। आप मेरा खुद का मैं गणपति बनाता हूँ, और विसर्जन लास्ट में 4-5 सालों से विसर्जन जब भी लेट नाइट होते, तो जब भी मैं विसर्जन करने थे तो मेरे पैरों के नीचे या आता था, तो मुझे वो बहुत बुरा लगने लगा। मुझे बहुत, मुझे उस पर सोच पे मजबूर कर दिया कि इस पर कुछ करना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि ऐसे कुछ गणपति बनाए कि गणपति फेस्टिवल बहुत लाखों में गणपति आते हैं, तो मैंने सोचा उसमें से कुछ तो 10% तो रिटर्न बैक कुछ मिलना चाहिए। तो मैंने सोचा फर्स्ट इको फ्रेंडली होना चाहिए, तो उससे सोच रहा था कि रेड सॉइल्स एंड फर्टिलाइजर से गणपति बनाए, और सीड्स के साथ देंगे तो आप घर पे कुंडी के साथ रख के विसर्जन के देते हैं, अपने बालकनी या टेरिस पे लाके जाके आप विसर्जन कर सकते हैं। जैसे प्लांट को पानी देते हो, 8वें दिन पे आप वो गणपति मेल डोके उसमें से पौधा आते हैं, इससे आप वाटर पोल्यूशन भी सॉल्व हो जाता है, और साउंड पोल्यूशन जो अपने घर पे आप विसर्जन करते हैं, और एयर पोल्यूशन जैसे होता है कि आप इसे एक प्लांट भी लगा रहे हो, सो ट्री गणेश तीनों चीज़ के लिए इफेक्टिवनेस और एक अच्छा सोल्यूशन। और ये तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है, इतनी महंगी हो गई सब्जियाँ, अपने घर में उगा लो ये वाले लेके जाके। अच्छा, चारा होता है, मतलब जो मेल्ट होती है तो खाना पानी में जाता है, मच्छियों को। हाँ हाँ, तो ये कितना सही है? ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर उसके विसर्जन के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टडी करते हैं तो बिल्कुल कोस्ट के पास जितना पोल्यूशन है उसमें सारी मछलियाँ मरी हुई होती है, इसलिए फिशरमैन भी अंदर तक जाते हैं। तो उसका विसर्जन करने के लिए कोई बहुत हट्टा कट्टा आदमी बहुत दूर तक स्विमिंग करके बीच में छोड़ के आए तो फायदा है, पर आइडिया अच्छा है। बस थैंक यू। कौन कौन करेगा ये पहले तो बताओ। इट्स अ गुड आइडिया यार, थैंक यू। मैम एक
अक्षय भूमि जरा पास में अरे मैं और एक बार लूंगा ना अजीत मान रहे ना लोगों दो ठीक है चल के आओ रिचा आप रुको मत ये रिचा ये सही था तो रिचा ये रिचा ना रिचा ये मोमेंट रिचा ये राइट अरे यार रिचा में राइट में ऐसे ही बैठो जी ऋषा मैम लिख के लग जाएगा ये क्या कर रहे हैं आ जाओ पीछे ये गणेश भाई है ना दादा एक मिनट दादा थोड़ा एक मिनट मैम अरे वो कैमरा ऋचा जी कैमरा पीछे लो ना अल्पेश भाई अरे भाई ये चलो बंद करो दरवाजा चलो चलो बस हो गया चलो बाय मैडम ऋचा पिक्चर मैम इधर मेरे कैमरे में चलो 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 अरे अरे छोड़ो मैं ला लिया अच्छा जी एक बार गड़बड़ रुक का जान दो ये चलो साउथ में वाला क्यों देना था ओके बाय जाने दीजिए गाड़ी जाने दो गाड़ी एक मिनट बाय मैम बाय Hi everybody, I'm Shahrukh Khan. Watch me only on facebook.com/businessofsinha.